भारतीय रेल को अपने विस्तृत नेटवर्क में रेल संचालन के दौरान हर तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इनमें से एक है पर्यावरण और वन्य जीव सुरक्षा। खासकर पूर्वोत्तर सीमा रेल असम से पश्चिम बंगाल और बिहार तक के अपने सफर में कई संरक्षित वन क्षेत्रों से गुजरती है, जहां अक्सर वन्य जीव ट्रैक पर आ जाते हैं। इनके चलते रेल और जानवरों दोनों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। इनमें सबसे ज्यादा समस्या हाथियों के मूवमेंट से होती है। अक्सर यहां हाथी तेज रफ्तार ट्रेनों से टकराकर दुर्घटना के शिकार बनते रहे हैं। पूर्वोत्तर रेल ने इन राज्यों के वन विभागों के साथ मिलकर इस समस्या के समाधान पर काम किया है। रेलवे ने 29 एलिफेंट कॉरिडोर चिन्हित कर इन क्षेत्रों में लाइनों की घेराबंदी, जानवरों के लिए पुल और रैंप आदि का निर्माण किया है। हाथियों के ज्यादा मूवमेंट वाले स्थानों पर मधुमक्खियों की आवाज निकालने वाले उपकरण लगाए गए हैं, ताकि हाथी ट्रैक से दूर रहें। इस सेक्शन के कई स्टेशनों पर VHF सेट स्थापित किए गए हैं, जिनके द्वारा वन विभाग हाथियों के मूवमेंट की त्वरित जानकारी रेलवे को देता है। इन जानकारियों के आधार पर गाड़ी चालकों को तत्काल सूचित कर दिया जाता है और वे संभावित क्षेत्र में पूरी सतर्कता के साथ गुजरते हैं। इन सभी कोशिशों का नतीजा भी सामने आया है। साल 2017 से अब तक 100 से ज्यादा हाथियों को दुर्घटनाग्रस्त होने से बचाया गया है। इसके अलावा कई पहाड़ी क्षेत्रों में भारतीय रेल वैज्ञानिक संस्थानों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आधारित सेंसर तकनीक का भी परीक्षण कर रही है, ताकि वन्य जीवों के साथ साथ रेल परिवहन को भी सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल बनाया जा सके। रेल की इन परियोजनाओं ने ये साबित कर दिया है कि रेल सिर्फ यातायात का साधन भर नहीं, बल्कि पर्यावरण और प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध परिवहन प्रणाली है।